सेवा दल के प्रदेश महामंत्री शुक्ला जी, कांग्रेस यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह व महिला सेवा दल की जिला अध्यक्ष दीप्ति पांडे, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अदिति कौल के नेतृत्व में ध्वज बंधन किया गया। अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सेवा दल यूथ ब्रिगेड पदाधिकारियों द्वारा हर माह के अंतिम रविवार को प्रत्येक जिला इकाई जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार। जी भाई, जब किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया है आज यहाँ कलेक्ट्रेट में? आज हम कांग्रेस सेवा दल की समस्त विंग्स यहाँ पे, कांग्रेस सेवा दल, यंग ब्रिगेड और महिला सेवा दल एकत्रित हुए हैं। RTI में जो संशोधन केंद्र सरकार ने किया है, ये टोटल ही ये पूर्ण तरह से निंदनीय है। ये जनता के अधिकारों का हनन है। जिस प्रकार से मोदी सरकार और BJP की सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए इसमें संशोधन किया है, ये निश्चित ही लोकतंत्र को कमजोर बनाने का एक कदम है। इसका विरोध हम यंग ब्रिगेड और सेवा दल इसका पूर्ण विरोध करते हैं। आज हम लोगों ने एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन पेश किया है और अपनी आवाज उठाने का एक प्रयास किया। अगर इस जो बिल संसद में पेश हुआ है, अगर वो पारित हो जाता है और आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? प्रयास पूरा कर रहे हैं जी, क्योंकि जहाँ तक की जानकारी ये पारित हो गया है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत है। जिस हिसाब से उन्होंने एक हिटलर शाही और तानाशाही का एक परिचय दिया है, आज हम इकट्ठे होकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, आगे फिर इस हिसाब से स्टेप हम लोग तय करेंगे कि क्या आगे करना है।